नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक की बैटरी की और फ्रेंड्स रिव्यू भी करने वाले हैं इस बैटरी का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो हमारे पास दोस्तों ये पुरानी वाली बाइक की एक बैटरी है और ये बैटरी आप देख लीजिए यहाँ पर, ये एग्जाइट कंपनी की है दोस्तों। और ये मेरे बाइक के साथ फ्री आई थी। फ्री मतलब क्या, सभी के बाइक के साथ एक बैटरी आती है, तो मतलब दोस्तों ये बैटरी आई थी और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसने दी अभी तक। लगभग दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इसे चार्ज करके दिखाया था, तो दोस्तों ये चार्ज तो हो रही है पर एक दिन से ज़्यादा नहीं चल रही है। एक दो बार सेल पे इस पर मार लो तो फिर दोस्तों ये बैटरी उठती ही नहीं है, ना ही इससे कोई लाइट वगैरह जलती है। और दोस्तों हॉर्न बजता है और इंडिकेटर चलता है पर उसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये बैटरी लगभग ख़राब सी हो गई है और इसको साढ़े चार साल हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज चेंज करवा देता हूँ, फिर दोस्तों हम इस बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर, तो इसमें आपको दिख रहा है 9 वोल्ट के आसपास। तो दोस्तों मैं इसको दुकान पे ले गया था तो ये 100 रुपये में कट रही थी और ये हमने नई परचेस की है। अभी हम इस पर भी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये UPS की बैटरी है, इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों 100 रुपये में कट रही थी और तो फ्रेंड्स मैंने इसको सोचा कि इसमें हम पानी वानी डाल के इसमें कुछ ट्राई करेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको हल्का हल्का यहाँ पर गीला गीला दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है इस बैटरी के अंदर और दोस्तों ये ऊपर वाला ढक्कन बड़ी मुश्किल से खुला हुआ है। तो दोस्तों मेरा थोड़ा गला सा लग रहा है, आपको आवाज़ शायद सही नहीं दिख रही होगी। चलिए मैं आपको इसका पानी धूप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों धूप में भी शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसे। तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा बहुत पानी है, हम एक चार्ज बैटरी का पानी इसमें डालकर देखेंगे और इसको चार्ज कर देखेंगे। दोस्तों ये बैटरी भी चार्ज है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बैटरी की। तो दोस्तों ये हमने न्यू परचेस की है एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान से और यहाँ पर बाइक के पार्ट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों वहाँ से हमने इसको ख़रीदा है और ये टाटा ग्रीन बैटरीज के नाम से आती है। तो दोस्तों मैंने दुकान पर ये एग्जाइट की बैटरी मांगी थी पर एग्जाइट की वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, वो सिर्फ टाटा की बैटरी ही बेचते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है और अभी तक एकदम न्यू है और मैंने इसको खोली भी नहीं है और ना ही अभी तक इसको बाइक में लगा कर चेक किया है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर लिखा टाटा ग्रीन बैटरीज टेक्नोलॉजी और जापान, ये क्या है GSYUASA जापान, वर्ल्ड्स नंबर 1 टू व्हीलर बैटरीज और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। ओरिजिनल VRL 2 वाट बैटरी और दोस्तों इसकी हमें गारंटी वारंटी मिली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 48 मंथ की यहाँ पर वारंटी लिखी हुई है। तो इसमें दोस्तों 2 साल की हमें गारंटी दी है और 2 साल की इस पर वारंटी दी है। तो दोस्तों मैंने भी YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी पर मुझे एक वीडियो मिला जो मुझे सेम रेट में देखने को मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैं पास से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका ये देख लीजिए दिसंबर 2021 रेस रेट यहाँ पर डाला हुआ है ₹1316। यहाँ पर इसका एड्रेस वगैरह और ये चार्जिंग वगैरह इस पर डला हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको, ये खोके में बहुत तेज़ फंसी हुई है, खोका फट जाएगा।
तो दोस्तों देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया और ये इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मुझे तो बैटरियों का ज़्यादा नॉलेज है नहीं है क्योंकि मैं अपनी बाइक भी बहुत कम चलाता हूँ और UPS की बैटरी मुझे पता है। तो दोस्तों UPS की बैटरी का प्राइस मुझे पता ही 800 रुपये से लेकर 900 के आसपास में मिल जाती है और ये भी काफ़ी अच्छी है, पर हम इस बैटरी को बाइक में नहीं लगा सकते क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा लंबा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, इसके पीछे भी ये डेट वगैरह डली हुई है। और दोस्तों ये इसका वारंटी कार्ड है। तो भाई यहाँ से हमने बैटरी ली थी, उनने हमारा फ़ोन नंबर लिया और नाम लिया, यानी नाम उनने एक मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्टर किया। और ये देख लीजिए दोस्तों इसका वारंटी कार्ड। तो वहाँ से जब मैं ले रहा था तो उनने कहा भाई वारंटी कार्ड घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो इसके बिना आपकी बैटरी रिप्लेस नहीं होगी। तो दोस्तों अगर 2 साल के अंदर ये ख़राब बैकअप देती है या ख़राब हो जाती है तो ये रिप्लेस हो जाएगी और 2 साल के बाद ये वारंटी में चली आएगी। तो फिर ये हो सकता है रिपेयर वगैरह या पानी वगैरह डलकर इसमें, हालांकि पानी इसमें डलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी इसके साथ करके हमें दे सकते हैं 2 साल के बाद। तो दोस्तों ये मैंने कल ख़रीदी थी, यानी आप देख लीजिए 27/1/2022 को। तो दोस्तों बैटरी का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आप इस वीडियो को देख रहा है जिसको बैटरी की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बाइक खासकर बाइक की बैटरी की, और इस बैटरी के बारे में अगर आपको काफ़ी नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे इसका प्राइस बताएं और इसका वारंटी कार्ड सही है या नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी, उसमें मुझे नाम लिखा हुआ और मोबाइल नंबर लिखा हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों देख लीजिए इसका प्राइस मुझे दोस्तों ये 1100 रुपये की दी है, एक भी रुपया उसमें मुझे कम नहीं किया और ना ही कहीं इस पर प्राइस डला हुआ है। हालांकि जहाँ से मैंने ये बैटरी ली है वो पहचान का है, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग भी वहीं करवाता हूँ। और दोस्तों ये मुझे लगानी है अपनी स्प्लेंडर आई स्मार्ट में। तो दोस्तों देखिए इन दोनों का साइज़ लगभग सेम है, एक जैसी आपको देखने को दिख रही है। और दोस्तों ये इसके साथ इसके बोल्ट हैं तो जो अभी हमने निकाले नहीं है अभी तक। चलिए ये देख लीजिए ये बोल्ट हैं, ये यहाँ लग जाएंगे, इसके अंदर अभी लगे नहीं हैं, आप देख लीजिए ये यहाँ पर लगाने के लिए दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये मुझे अपनी बाइक में सेल्फ स्टार्ट के लिए यूज़ करनी है और लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह इससे हम चलाएंगे, मतलब जो भी बाइक से यानी बैटरी से बाइक में जो काम होता है वो सब हमें करना था, इसलिए दोस्तों ये मुझे नई लेनी पड़ी। और ख़ासकर सब में ज़्यादा ख़ासकर दोस्तों ये मुझे लेनी पड़ी सिर्फ सेल्फ के लिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से मैं ड्राइव कर लेता हूँ लेकिन दोस्तों रास्ते में बंद हो जाती है तो एकदम किक नहीं पड़ पाता गाड़ी पर, उसके लिए आपको गियर वेयर सब अच्छे से उतारना पड़ते हैं। और मेरी गाड़ी वैसे भी नई है दोस्तों, 4.5 साल में मैंने सिर्फ उसको 3500 किलोमीटर चलाई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको बैटरी की ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों 12 वोल्ट और 84 दिखा रहा है यहाँ पर, लगभग 13 वोल्ट के आसपास ही हम इसको मान लेते हैं।